सूरत में हुए भीषण अग्निकांड के बाद भी शिक्षा नगरी कोटा में संचालित कोचिंग संस्थान कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। दरअसल कोटा में आज भी कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनमें फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम मौजूद नहीं। ऐसे में एवन टीवी की टीम ने इन कोचिंग संस्थानों का रियलिटी चेक किया और साथ इन संस्थानों के संचालकों से खास बातचीत भी की। वही कोटा के जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हॉस्टल्स और साथ ही सिटी मॉल्स के फायर सेफ्टी उपकरण भी चेक किए। कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी को लेकर छात्रों के मन को टटोला और साथ ही ये सब पूरी जानकारी हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने ली, आप भी देखिए। गुजरात के सूरत में हुए अग्निकांड के बाद शिक्षा नगरी कोटा कि जो कोचिंग संस्थानें हैं, जो हॉस्टल्स हैं और जो बच्चे रूम रेंट पर रह रहे हैं, उनका हमने रियलिटी चेक किया। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो यहां पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की फायर सेफ्टी के इंतजाम हॉस्टल्स में देखे गए। मैंने तो अभी तक के किसी हॉस्टल में फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं देखा है। जैसे चल रहा है हॉस्टल, जैसे चल रहा है मैं, अगर बड़ी बड़ी मैसे हैं उनमें भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। कुछ एक है जो जिनका नाम है, वो नाम के लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था कर देते हैं, तो जैसे चल रहा है लापरवाही फुल तरीके से है। गुजरात में जो अग्निकांड हुआ उसको किस नज़रे से देखते हैं, किसकी लापरवाही इसमें सामने आप मानते हो, आपके नज़रे से किसकी लापरवाही इसमें सामने? ये तो कोचिंग वाले की लापरवाही है कि उन्होंने पहले तो लकड़ी की सीढ़ियां लगाई हुई थी। जब चौथी मंजिल पे कोचिंग है तो कम से कम दो सीढ़ियां तो होनी चाहिए, एक चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। कम से कम भागम भाग में बच्चे उतर आधे तो बच जाते हैं, अगर बच्चे अगर लकड़ी नहीं होती उस जगह और चौड़ी सीढ़ियाँ होती तो बहुत बचाया जा सकता था बच्चे। पहले तो उन लोगों को जो फायर एक्सटिंग्विशर रखने चाहिए, उन लोगों को फायर ब्रिगेड का नंबर जो है इमरजेंसी कॉल डाउन पर रखना चाहिए, क्योंकि कल को कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई तो हम हाथ-वात फ़ोन कर सके। ऑल्सो कि मतलब आजकल चीज़ें काफ़ी इवॉल्व हो रही हैं, तो लकड़ी की सीढ़ियों की जगह अगर वो थोड़ी सी जो आग जल्दी ना पकड़े उनकी सीढ़ियाँ रखे और हर चीज़ का अच्छे से केयर करे, क्योंकि सिर्फ बड़े कोचिंग बनाने से बच्चे आगे नहीं बढ़ते, उनकी सेफ्टी भी काफ़ी। कमियाँ तो है पर उनके लिए उनको काम करना चाहिए, सोचना चाहिए जो इस घटना हुई है इसके बारे में, उनको देखते हुए उन्हें भी अपने हॉस्टल हो या पीजी हो जो भी है वहाँ पे सभी जगह फायर सेफ्टी के उपकरण रखने चाहिए। गुजरात में अग्निकांड हुआ है उसके बाद जो व्यवस्था देखने को मिली है वो सिर्फ दो दिन ही देखने को मिली है, उसके बाद जिला प्रशासन की बात करें या अग्निशमन विभाग की बात करें तो आज ऐसी कोई व्यवस्था ना हो तो हॉस्टल्स में देखने को मिली है, ना ही कोचिंग संस्थानों में देखने को मिली है। अलबत्ता ये सारी जो व्यवस्था होनी चाहिए ये पूरे साल भर चलनी चाहिए, और जो निजी कोचिंग संस्थान हैं या निजी हॉस्टल्स हैं जिनमें फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है उस पर जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, उसको सील करना चाहिए या फिर उनको नोटिस जारी करना चाहिए, एक टाइम बाउंड करना चाहिए जिसमें फायर सेफ्टी के वो पूरे इंतजाम करें। अलबत्ता अगर कोई आपातकालीन घटना हो जाती है तो बच्चों को किस तरह से सेफ रखना है ये वहाँ का स्थानीय जिला प्रशासन की बात करें या जो कोचिंग संस्थान की बात करें, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। इस समय कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, A1 TV कोटा।